हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रोहित। तो कल जिस जगह हम गए थे वीडियो शूट करने, तो वो जो मैंने हनुमान जी का मंदिर बताया था आपको, तो आज हम बताते हैं उसकी कहानी। तो जो लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दें और अपने कमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गाइस, बात कुछ 40-50 साल पुरानी है। एक इंसान वहाँ पर आया, उसने मंदिर बनाया, मंदिर में मूर्ति रखी, बट वो कोई पैसे वाला होगा तो उसने हनुमान जी की मूर्ति, सोने की मूर्ति वहाँ पे रखी और उस पर सिंदूर का लेप लगा के उसे पत्थर जैसी कर दिया। और फिर हर मंगलवार गुरुवार रोज हनुमान जी का सिंदूर उस मूर्ति पे लगा के रोज पूजा पाठ वहीं रहता। एंड उसके बाद टाइम गुजरता गया, पब्लिक बढ़ती गई, लोग आते रहते चले जाते, आते रहते चले जाते। तो अब उसके भी जाने का टाइम हो गया था दुनिया छोड़ के। तो क्या होता है कि उसके यहाँ एक शिष्य आता है और फिर वो वहाँ रहने लगता, पर उसे नहीं मालूम था कि इस शिष्य के दिल में क्या है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, फिर जो वो इंसान था जिसने मूर्ति रखी थी वो भगवान को प्यारा हो गया। एंड जो उसका शिष्य था वहाँ रहने लगा। जिस तरीके से वो चोला चढ़ाते थे उसी तरह चोला चढ़ने लगा। टाइम गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। जो शिष्य था उसे नहीं मालूम था कि ये मूर्ति सोने की है। तो फिर क्या होता है गाइस कि एक टाइम के बाद हनुमान जी का जो चोला होता है वो सिंदूर चढ़ाते हैं, तो वो वक्त के साथ चोला चढ़ता जाता है, मोटा मोटा होता जाता है, और फिर एक टाइम के बाद वो चोला मूर्ति को छोड़ देता है। तो ऐसा ही हुआ वहाँ, उस चोले ने मूर्ति को छोड़ा एंड उसको पता पड़ा ये तो सोने की है। तो वो जो शिष्य था वो मूर्ति लेके वहाँ से चला गया। अब उसका आज तक कोई पता नहीं है, क्योंकि वो मूर्ति सोने की थी और किसी को सोने की मूर्ति मिलेगी तो क्या वो वहीं रहेगा, बैठेगा, चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, पर वो मूर्ति लेके चला जाएगा, वो चला गया। तो आज ये कंडीशन है वहाँ की कि वहाँ हनुमान जी की मूर्ति तो है पर वो सोने की नहीं। वहाँ एक अंकल आंटी भी रहते हैं पर वो मंदिर की देखभाल करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जब हम वहाँ गए तो हमने भी देखा कि मंदिर है, एंड मुझे वहाँ से पता पड़ा कि ऐसी ऐसी इस मंदिर की कहानी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।